वेलकम बैक मेडिकल इमेजिंग के आज इस प्रोग्राम में हम मेमोग्राफी पे बात कर रहे हैं। हमारी मेहमान डॉक्टर गुलनाज शफकत हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मशीन होती है मेमोग्राम की मशीन, आपने बताया कि ये होते तो एक्सरेज हैं लेकिन जो आम एक्सरे मशीन है उससे ज़रा मुख्तलिफ होती है, तो क्या हम ये मशीन देख सकते हैं? हाँ प्लीज़, हम इसको चल के दिखाते हैं मैं आपको मशीन। नफीस, डॉक्टर नफीस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सिंपल, सादा और अच्छी खूबसूरत सी मशीन है जो कि मेमोग्राफी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक ऐसी जगह पर रखी जाती है जहाँ पर कमरा बंद होता है और स्टाफ हमारे साथ होती है। रेडियोग्राफर ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं इसके लिए, और पेशेंट अपना या फीमेल अपना ड्रेस चेंज करके फिर ये एक्सरे करवाती हैं। इसमें एक्सरेज आती हैं जो कि ऊपर से इसके मशीन से आती हैं, और ये एक प्लेट होती है जिसके दरमियान ब्रेस्ट को जेंटली कंप्रेस किया जाता है ताकि ब्रेस्ट को कम से कम रेडिएशन दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अच्छा व्यू हमें खास फिल्म पे हासिल हो जाए। इसका मतलब है कि 2-3 व्यूज़ हम करते होंगे मेमोग्राम के? बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें हम तकरीबन 4 व्यूज़ करते हैं जो कि मखसूस व्यूज़ होते हैं ब्रेस्ट के, और वो हर मरीज़ के लिए किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेमोग्राम ये बड़ा क्लोज कमरा है, बंद कमरा है, और इसमें जो लेडी ऑपरेटर होती है वही इसको ऑपरेट करती है, और इससे किसी भी खातून को खाइफ होने की ज़रूरत नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। तो बड़ी अच्छी सी मशीन लग रही है। बिल्कुल सिंपल और खुली हुई मशीन है जिसमें जो आराम से जिसमें पेशेंट का तशखीस बगैर किसी तकलीफ के ये टेस्ट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलनाज साहिबा आपका, और आज आपने मेडिकल इमेजिंग के इस प्रोग्राम में जिस तरह मेमोग्राम के बारे में बताया, और ख़ास तौर पे हमारी जो ख़वातीन हैं और वो ख़वातीन जो उतनी प्रिविलेज नहीं हैं और तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनको बहुत से डर बहुत से खौफ मैंने महसूस किया था कि होते हैं। आज आपकी बातें सुनकर उनको ये एहसास हुआ होगा कि मेमोग्राम एक बड़ा सादा सा टेस्ट है, बहुत कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और इसमें कोई दर्द नहीं होता, और इसमें कोई खौफ की बात नहीं है। और हम आपके बहुत मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में, मेडिकल इमेजिंग के प्रोग्राम में, आपने जिस तरह ख़वातीन को आज मालूमात फराहम की वो सिलसिला जारी रखी। इंशाल्लाह जी, शुक्रिया बहुत।